हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक? आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर कौन सा है बेटा अपना? केमिकल बॉन्डिंग। तो आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करने से पहले जानते हैं वॉट इज अ केमिकल बॉन्ड। वॉट इज अ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है? डेफिनेशन लिखिएगा कि द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स टुगेदर। द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज दी अट्रैक्टिव फोर्स। बेटा ध्यान रखिएगा, कैसी फोर्स है ये? इट इज दी अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज दी अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स, इट इज दी अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर। आई बात समझ में? केमिकल बॉन्ड क्या है? वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। ये नेक्स्ट एक पॉइंट आपको समझना चाहिए कि व्हाई योर केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इस चीज के बेटा दो रीजन है, इस चीज के बेटा दो रीजन है। कि पहला रीजन क्या है? जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, पहला रीजन क्या है? जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है जो मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। कि अगर मैं किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल को कंपेयर करूं तो एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक बात मैंने आपको ये समझा रखी है कि किसी सब्सटेंस पे जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना अनस्टेबल। दूसरी चीज क्या लिखिए? टू अटेन स्टेबिलिटी दी एटम कंबाइंस विद वन अनदर, द एटम कंबाइंस विद वन अनदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विच हैज लोअर एनर्जी। आई बात समझ में? कि एटम्स की एनर्जी पहले तो ज्यादा रहती है, फिर स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक एटम क्या करता है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, चाहे वो सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल बनाता है। उस मॉलिक्यूल की क्या होती है? एनर्जी कम होती है। आई बात समझ में? अब मैं अगर दो एटम्स को कंपेयर करूं, अगर मैं दो एटम्स को कंपेयर करूं, बेटा क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये इस एटम का दूसरे एटम का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां पर क्या है? दिस इज आउटर मोस्ट शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इट्स आउटर मोस्ट शेल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑल ओवर। अब अगर मैं दोनों एटम्स में कंपेयर करूं तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स एक ये लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक ये लग रही होगी, और इस केस में एक अट्रैक्टिव फोर्स ये लग रही होगी, है ना। एक अट्रैक्टिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ लग रही होगी, दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ लग रही होगी। एक अट्रैक्टिव फोर्स और है,
एक अट्रैक्टिव फोर्स और है जो इसका सेंटर इसके इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा, वैसे इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रही होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस लगा रहा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स ये वाला न्यूक्लियस लगा रहा होगा। अब रिपल्सिव फोर्स की बात करें, तो रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से एटम्स लगा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन में, क्या है बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। वैसे इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो समझिए, अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन लगा रहा है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और रिपल्सिव फोर्स कौन लगा रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स कौन सा लगा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है वो तुम्हारी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। आई बात समझ में? बॉन्ड बनने का क्राइटेरिया क्या? लिखिए इसको, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का एक ही क्राइटेरिया बेटा, ये बात समझ जाइएगा कि जब रिपल्सिव फोर्स, When repulsive force is lesser than attractive force, यानी कि attractive force ज्यादा होनी चाहिए किससे? Repulsive force से, तभी कोई bond बनेगा, वरना bond नहीं बनता है। Bond कब बनेगा? When attractive force should be more than the repulsive force, then only the bond formation would take place. आई बात समझ में? इन सबको नोट करिए, नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं थोड़ी देर के बाद। बेटा हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करी थी अभी लास्ट में, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्राइटेरिया ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से लिखिएगा। बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड तभी बनता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती है? ग्रेटर होती है रिपल्सिव फोर्सेस के। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। तब क्या बनेगा? तब बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर मैं आपको दो डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ठीक है, वो बहुत ध्यान से लिखिएगा। पहली डेफिनेशन लिखिए किसकी? बॉन्ड लेंथ की। स्टार मार्क करके लिखिए बॉन्ड लेंथ। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, between two atoms in a molecule. आई बात समझ में? It is the minimum internuclear distance between two atoms in a molecule is called bond length. Next लिखिए bond energy. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है बॉन्ड एनर्जी की। सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी। अब एक ग्राफ हम सबने बहुत ज्यादा स्टडी किया है, वो किस किस के बीच का ग्राफ है बेटा? हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी किया है। लेट्स राइट डाउन
ये लेट्स सी ये ग्राफ कैसे रहता है। यहां पर क्या है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है डी डिस्टेंस है। ठीक, अब ये कौन सा डिस्टेंस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए ग्राफ कैसे होता है, बहुत ढंग से फॉलो करिएगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द ग्राफ्स लुक लाइक बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। अब कुछ चीजें फॉलो करिएगा, जब एटम बहुत दूर दूर थे, जब एटम बहुत दूर दूर थे तब क्या हुआ, तब उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस, तब वो बहुत दूर थे मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन का कोई रोल नहीं है। पर जैसी जैसी एटम पास आने लगे, जैसे जैसे एटम पास आने लगे, तो एटम पास आने की वजह से देखो एनर्जी कम होती गई। क्यों होती गई, क्योंकि इतने पार्ट में देखो बेटा, इतने पार्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है ऐसे केसेस में, कम होने लगती है। एनर्जी कम होती गई कम होती गई कम होती गई, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर एनर्जी मिनिमम थी, मतलब वहां पर तुम्हारी अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर हो गई बेटा, रिपल्सिव फोर्स के। इस पॉइंट पर तुम्हारी अट्रैक्टिव फोर्स किसके बराबर हो गई, रिपल्सिव फोर्स के, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, यहां पर इनिशियली क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इसलिए एटम पास आ रहे थे, एटम पास आते गए पास आते गए पास आते गए। पास आने के बाद क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो गई, फोर्स ऑफ रिपल्शन के। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे देखिए, ध्यान देखिए, बॉन्ड एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड लेंथ क्या है, इट इज द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कब रहेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो, इस पॉइंट पर जो बॉन्ड लेंथ है, ये तो हुई इसकी बॉन्ड लेंथ, इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है उसको कहा हमने बॉन्ड लेंथ, और उसी पॉइंट पर जो एनर्जी रही वो हो गई आपकी बॉन्ड एनर्जी। आई बात समझ में, बॉन्ड एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ और यहां हो गई इसकी बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होते हैं, रिपल्शन होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन गेट्स इंक्रीज्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा बढ़ जाती है। रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो एनर्जी का ग्राफ सीधे शूट अप करेगा ऊपर। ठीक है, पहले क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। फिर क्या होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाती है, फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये आप कुछ ऐसी कहानी से समझ सकते हैं कि पहले ये एक लड़का एक लड़की, जब दूर दूर थे तब नैन मटक्का करते थे। ठीक है, नैन मटक्का हुआ तो हाँ भाई बात होनी शुरू हुई, तो उसे चैटिंग पे आई, ये आई। अब चैटिंग पे आई बात धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। आए पास में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। तब कौन सी स्टेट थी, तब ये वाली स्टेट थी। ठीक, अब जब पास आए भाई, एक दूसरे की बातें पता चली, दूरियां बढ़ती गई, क्यों, खिटपिट होती है रिलेशनशिप में, खिटपिट हुई, ये एनर्जी इंक्रीज कर गई। आई बात समझ में, सेम मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। इनिशियली मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, दूर दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे पास आने लगे अट्रैक्शन बढ़ने लगा, है ना, इंस्टाग्राम पे बात होने लगी, इनकी इंस्टाग्राम पे बात हुई, बात होते होते कॉल पे आई, कॉल से टेक्स्ट में, टेक्स्ट से मीटअप पे। जैसे मीटअप हुआ उन्होंने सोच लिया कि हाँ भाई अब हम बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, वही लड़ाई वही नोकझोंक, और क्या हुआ, रिपल्शन इंक्रीज हो गई। वही ये ग्राफ दिखा रहा है, ये असली में
एटम एटम का ग्राफ नहीं है, इसको मैं कहता हूं रिलेशनशिप ग्राफ। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी रिलेशनशिप ग्राफ। आई बात समझ में? इस चीज को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आगे कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे दोबारा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। तो अभी तक हमने देखा था, रिलेशनशिप ग्राफ देख लिया था, जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं तब, फिर जब वो एटम्स पास आए तब क्या होता है, फिर जब एटम्स बहुत क्लोज आ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, तो हमने ग्राफ चेक कर लिया। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। सो केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड्स की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड्स ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी। अब बॉन्ड दो ही टाइप के होते हैं, या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। कैसे होंगे बॉन्ड? बेटा बॉन्ड दो ही टाइप के होते हैं, या तो स्ट्रांग बॉन्ड होगा या तो वीक बॉन्ड होगा। लिखिए, या तो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, या तो बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होता है। अब कोई बॉन्ड को हम स्ट्रांग बॉन्ड कब कहते हैं, कोई बॉन्ड को हम स्ट्रांग बॉन्ड कब कहते हैं, जब उसकी एनर्जी, जब उसकी बॉन्ड एनर्जी किससे ज्यादा है, when its bond energy is greater than or equal to 42 kilojoule per mole। ठीक है, strong bond कब कह रहे हैं किसी bond को, जब उसकी bond energy किससे ज्यादा है 42 kilojoule per mole से। weak bond कब कह रहे हैं, weak bond तब कह रहे हैं जब उसकी bond energy किस किस के बीच में लाई करती है बेटा, जीरो से लेकर बॉन्ड एनर्जी लाई कर रही है किसके बीच में, 42 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, वीक बॉन्ड कब कह रहे हैं, जब उस बॉन्ड की एनर्जी जीरो से लेकर 42 किलो जूल के बीच में लाई करती है, तब हम उसको वीक बॉन्ड की कैटेगरी में डालते हैं। अब स्ट्रांग बॉन्ड कौन कौन से हुए, स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं तुम्हारे, पहले लिखिए आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड। पहला कौन सा हो गया आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा हो गया तुम्हारा मेटालिक बॉन्ड, है ना। चौथा बॉन्ड लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अब वीक में भी दो क्लासिफिकेशन है, वीक में भी दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। एक को कहते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, मतलब उसमें भी दो क्लासिफिकेशन है। एक बॉन्डिंग तो हो गई तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या सीन रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये सीन रहता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो 8 से ज्यादा रहती है और 42 किलो जूल से कम रहती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या सीन है कि एनर्जी 8 से ज्यादा रहेगी और 42 किलो जूल से कम रहती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर, जिसके बारे में आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे, इंट्रामोलिकुलर। एक हो गया तुम्हारा इंटरमोलिकुलर। ठीक है, एक हो गया इंट्रामोलिकुलर, एक हो गया इंटरमोलिकुलर। दूसरी टाइप की वीक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, वैंडरवॉल बॉन्ड्स। अब वैंडरवॉल बॉन्ड में क्या सीन है सर, वैंडरवॉल बॉन्ड में जो एनर्जी होती है वो जीरो से लेकर, बॉन्ड एनर्जी कहां तक रहती है, जीरो से लेकर 8 किलो जूल्स पर मोल तक रहती है। ठीक है, वैंडरवॉल बॉन्ड में एनर्जी 0 से लेकर 8 किलो जूल्स पर मोल तक रहती है। इसके एग्जांपल्स क्या हुए, इसके एग्जांपल्स क्या हुए, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक है डीपीडीपी इंटरेक्शन,
डीपी डीपी मतलब डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है ना, इसको कीसम फोर्स भी कहा जाता है, इसको कीसम फोर्स भी कहा जाता है। दूसरा हो गया आपका डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन, डीपी आईडीपी इंटरैक्शन, इसको क्या कहा जाता है, इसको डिबाई फोर्स भी कहा जाता है। और एक हो गई आपकी जनरल आईडीपी आईडीपी इंटरैक्शन, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लंदन फोर्स। आई बात समझ में? सो वैंडरवॉल बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, डीपीडीपी यानी कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन या इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गए कुछ टाइप के बॉन्ड्स। फाइनली मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि डायपोल या इंड्यूस डायपोल, ये बता देता हूं इंड्यूस डायपोल कैसे बनता है। तो फॉर सपोज मेरे पास ये एटम है, फॉर सपोज मेरे पास एक दूसरा एटम है, तो किसी एक पॉइंट पे एटम के एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस एटम में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। साइमल्टेनियसली एक एटम में दूसरे एटम में क्या हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और दूसरी तरफ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देख रहे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो होता क्या है, इसकी वजह से पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो इस जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है बेटा, अट्रैक्शन होती है। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। अब अट्रैक्शन होती है मतलब यहां पर कोई फोर्स प्ले कर रही है और ऐसी फोर्स को हम लंदन फोर्स कहते हैं। और एक इसका एग्जांपल है इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन का, ठीक है। अब डायपोल डायपोल इंटरैक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी डायपोल बन रखे हैं, डायपोल के बीच में इंटरैक्शन हो जाएगी, डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल में जो नॉन पोलर है कोवेलेंट मॉलिक्यूल उसमें डायपोल इंड्यूस कराता है। और इंड्यूस डायपोल यानी कि लंदन फोर्सेस में क्या है, ये किसमें दिखती है सर, ये दिखती है आपके नोबल गैसेस में। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।